देश की जानी मानी ऑटोमोबाइल कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अब दोस्तों कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में उतरने के लिए रेडी है। हाल ही में कंपनी ने अपनी आने वाली मोस्ट अवेटेड मारुति सुजुकी जिम्नी जीप का प्रोडक्शन चालू कर दिया है। जी हां, गाड़ी का भारतीय बाजार में प्रोडक्शन अब चालू हो चुका है, जिसके चलते कंपनी अब इसको लॉन्च के लिए तैयार कर रही है। गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होगी, जिसके चलते गाड़ी की कीमत को भी कम से कम रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। बताया जा रहा है ये मारुति सुजुकी की अब तक की सबसे सस्ती बजट सेगमेंट की जीप होने वाली है, जो कि भारतीय ग्राहकों को काफ़ी पसंद आएगी। इसकी लॉन्चिंग डेट दोस्तों फिलहाल नए साल पर बताई जा रही है। इसे हाल ही में हुए टेस्टिंग में भी देखा गया था दोस्तों। अब ये लॉन्च के काफ़ी नज़दीक आ चुकी है दोस्तों, और बताया जा रहा है ये गाड़ी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और ज़बरदस्त रहने वाली है, जो कि जीप के सेगमेंट में लॉन्च होते ही महिंद्रा थार को टक्कर देती हुई नज़र आएगी। पर इसकी कीमत महिंद्रा थार से काफ़ी कम रहने वाली है, जो इस गाड़ी को एसयूवी सेगमेंट में जिता सकता है। अगर हम बात करें गाड़ी की कीमत के बारे में तो दोस्तों इस गाड़ी की कीमत आप सुन के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि गाड़ी की कीमत 4 से 5 लाख रुपए के अंदर बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस गाड़ी का एक लाइट वर्जन भी कंपनी लेकर आएगी, जो कि जिम्नी लाइट से 3 डोर वर्जन के रूप में लॉन्च होगा, जिसकी कीमत 3 से 5 लाख रुपए के बीच रहेगी। अगर हम बात करें गाड़ी के डिजाइन के बारे में तो इस शानदार मारुति सुजुकी जिम्नी जीप में आपको एक शानदार रगेड स्टाइल का एसयूवी डिजाइन देखने को मिलेगा, जो कि बॉक्सी प्रोफाइल के साथ आने वाला है। इसके फ्रंट में आपको 5 स्लॉट ग्रिल, सर्कुलर LED हेडलैम्प और ब्लैक बम्पर दिए गए हैं। बॉडी के चारों ओर आपको ब्लैक बॉडी कास्केडिंग, बाहर की तरफ निकले हुए व्हील आर्ट और रियर माउंटेड स्पेयर व्हील इस एसयूवी को एक मस्कुलर लुक दे पाने में सक्षम बनाती है। साथ ही साथ दोस्तों ये गाड़ी 16 से 17 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स, रूफ रेस और डुअल टोन एक्सटीरियर के साथ आने वाली है, जो कि गाड़ी को एक स्पोर्टी और मस्कुलर लुक दे पाने में सक्षम बनाएगा। अगर हम बात करें गाड़ी के इंटीरियर के बारे में तो दोस्तों गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस और कंफर्टेबल रहने वाला है। गाड़ी में आपको 5 से 6 सीटर सीटिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी, जो कि फुल्ली लेदर इंटीरियर के साथ आएगा। इस जिम्नी जीप में आपको लेटेस्ट फीचर्स देखने को मिलेंगे, साथ ही इसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और कई सारे ज़बरदस्त इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे नेविगेशन वाले फीचर्स देखने को मिलेंगे, जो कि आप वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इस एसयूवी में आपको ऑटोमेटिक AC, क्लाइमेट कंट्रोल, सनरूफ और कई सारे जबरदस्त फीचर्स गाड़ी में स्टैंडर्ड रूप से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों सेफ्टी के लिहाज से इसमें आपको 4 एयरबैग्स, 3 ABS सेंसर, EBD और पार्किंग सेंसर के साथ आपको 360° कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड रिमोट्स के साथ आपको कई सारी जबरदस्त सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में देखने को मिलेंगे, जो कि इसको सेफेस्ट और बेहतरीन एसयूवी बनाने में मदद करते हैं। अगर हम आ जाते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में तो दोस्तों ये गाड़ी परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहेगी। मारुति जिम्नी भारत में 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आएगी, जो इसकी ऑफ रोडिंग क्षमता को बढ़ाएगी। इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो 100 BHP का पावर और 130 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। साथ ही साथ दोस्तों गाड़ी में आपको CNG किट भी मिलेगी, जो कि तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तक माइलेज दे पाने में सक्षम है। और दोस्तों इतना सब कुछ केवल 3 से 5 लाख रुपए में, यकीन करना संभव नहीं है ना दोस्तों, पर ये होने वाला है। और इसका दोस्तों लॉन्च नए साल पर बताया जा रहा है, और इसे हाल ही में हुए ऑटो एक्सपो 2020 में भी शोकेस करा गया था। तो अब इसकी लॉन्चिंग काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, तो दोस्तों अगर आप भी नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप फिर अपनी जगह के नाम कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा दोस्तों, जितना हो सके वीडियो को आम आदमी से शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।